कार दोस्तों, आज हमारी कहानी का विषय है बहू बस और नहीं। राधा जी अपनी बहू पलक से कहती हैं, बहू इस बार दिवाली पर हम गांव जा रहे हैं, तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने सोचा है कि हम कुछ थोड़े महीने वहीं रुक जाएंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। राधा जी अपनी बहू पलक से बोली। पलक बोली, मम्मी जी आप 3-4 महीने में तो आ ही जाएंगी ना, क्योंकि मैं भी थोड़े दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेने वाली हूँ। गांव में दिवाली मनाकर मैं थोड़े दिन अपनी मम्मी के यहाँ रहने चली जाऊँगी, फिर तो वापस वहीं ऑफिस की भागदौड़ करनी है। और आप होती हैं तो मुझे बहुत सारा मिल जाता है आपका, आपके राज में सब कुछ हो जाता है मम्मी जी, वरना सच आपके बिना मुझे कुछ काम समझ में नहीं आता है। राधा जी बोली, बहू मैं 3-4 महीने में वापस आ ही जाऊंगी, मैं जानती हूँ तुझे यहाँ मेरी बहुत ज़रूरत है। खैर जितना हो सके इस दिल्ली वाले घर की तो सफाई हो गई है, और गांव वाले घर की सफाई करने को मैंने कमला से कह दिया है, चाबी बगल वाली सीमा भाभी के वहीं पड़ी है, तो कमला वहीं से चाबी लेकर सफाई कर लेगी। पलक बोली, हाँ मम्मी जी ये आपने अच्छा किया कि कमला से सफाई करने को कह दिया, अब जाते ही घर तो साफ मिलेगा। चलिए मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है। राधा जी बोली, हाँ हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें गांव जाने के लिए कपड़े भी तो पैक करने हैं। पलक बोली, आज ऑफिस में रिया भाभी से पूछती हूँ कि गांव के लिए कब निकलना है, उस हिसाब से पैकिंग कर लेंगे। पलक के ससुर राम गोपाल जी कुल मिलाकर 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाई और उनका परिवार गांव में रहता था, और बाकी के 2 भाई और उनका परिवार यहां दिल्ली में रहता था। राम गोपाल जी और उनकी पत्नी राधा जी जब भी गांव जाते 2-3 महीने वहां गुजार कर आते। गांव से बहुत यादें जुड़ी हुई थी उनकी, उनका मन तो करता था कि वे लोग गांव में ज़्यादा दिन रहे, मगर यहाँ बेटा राहुल और बहू पलक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, दोनों अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाते थे और सुबह भी बहुत बार उन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। ऐसे में राधा जी खाना और टिफिन तैयार कर देती, घर के अन्य काम भी वे खुशी खुशी कर देती थी। ससुर राम गोपाल जी भी बाहर से दूध दही सब्जी फल इत्यादि ला देते थे। इस बार गांव में दिवाली में राधा जी ने अपनी सभी देवरानी जिठानियों को खाना और पूजा अपने घर में रखी थी। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। गांव के घर में जलाने के लिए दिए लाइट्स पटाखे सभी लाकर रख दिए थे, बस पैकिंग करनी बाकी थी। पायल के काका जी यानी कि रामनाथ जी की बहू रिया भी पलक के ऑफिस में ही काम करती थी। पलक और रिया का परिवार साथ में ही गांव जाने वाला था, इसलिए पलक ऑफिस के लंच टाइम में ही रिया से बोली, रिया भाभी गांव कब चलना है, कौन सी तारीख की टिकट करवानी है। रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी कह रही थी वे तुम्हारी सास राधा जी से इस विषय में आज बात कर लेंगी। पलक बोली, भाभी आपकी सास और मेरी गांव वाली दोनों देवरानी जिठानियां, बाप रे अब सभी लोग मिलकर दिवाली की तैयारी करेंगे, मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, अपने अपने घरों में चुपचाप अपना अपना परिवार पूजा कर लो, यहाँ सभी के इकट्ठा करना फिर साथ में खाना रखना, इंसान कितना थक जाता है बेचारा, मुझे तो यह सब बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मम्मी जी की वजह से सब करना पड़ता है। रिया फिर से मुस्कुरा दी, वह कुछ बोली नहीं क्योंकि वह पलक की आदतों को अच्छे से जानती थी। यहाँ कंपनी में भी पलक रिया के साथ कंपटीशन की होड़ करती, जबकि रिया हमेशा उसे अपनी चचेरी देवरानी होने के कारण उसकी ऑफिस में काम में मदद कर दिया करती थी। दूसरी तरफ रिया की सास देवकी जी ने अपनी देवरानी राधा को फ़ोन किया और सभी ने दिवाली के 2 दिन पहले गांव जाने का मन बना लिया। उसी आधार पर राम गोपाल जी ने सभी की टिकट बुक करवा दी। पलक की सास राधा जी रिया की सास देवकी जी सगी देवरानी जेठानी थे, दोनों में आपस में बहुत बनती थी, वे सब पहले गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे।
गांव में रह रही दोनों देवरानी जेठानी भी दिल्ली में रह रही देवरानी जेठानी का इंतजार करती कि कब वे भी वापस गांव आएंगी और सभी मिलकर साथ में त्योहार का आनंद लेंगे। पलक यहीं दिल्ली में एकाकी परिवार में पली बड़ी ने माता पिता की लाडली इकलौती बेटी। उसे अपनी सास और गांव के सारे लोगों पर बहुत ताज्जुब होता। उसे बस अपना काम निकलवाने से ही मतलब था। वैसे तो वह स्वभाव में बड़ी ही मतलबी और नकचिड़ी थी। राधा जी उसकी मदद कर दिया करती थी, इसलिए वह भी उनके साथ अच्छे व्यवहार का दिखावा कर देती। मगर पलक के मन में उन लोगों के लिए बिल्कुल आदर भाव नहीं था। दिवाली पर गांव जाने के लिए सभी लोगों ने अपने कपड़ों की पैकिंग कर ली। पलक ने सारे वेस्टर्न कपड़े साथ डाल दिए और जिस दिन गांव जाना था उस दिन भी वेस्टर्न कपड़े पहनकर रेडी हो गई। राधा जी उसे देखते ही बोली, बहू हम गांव जा रहे हैं और वह भी दिवाली की इतनी बड़ी पूजा के लिए, वहाँ ऐसे कपड़े मत पहनो। गांव में लोग दो बातें बनाने में वक्त नहीं लगाते। मम्मी जी मुझे तो इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लग रही, गांव तो गांव ही रहेगा और मैं तो यहाँ शहर में पली बड़ी लड़की हूँ। गांव वालों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें क्या। बहू बोली, मैं भी किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं निकालती, मगर मुझे खुद यह महसूस हो रहा है कि दिवाली जैसे मौके के लिए साड़ी सलवार कमीज तुम पर ज्यादा सूट करता है। यह वेस्टर्न परिधान तो पार्टी में ही अच्छे लगते हैं। पलक बोली, मम्मी जी रिया भाभी भी यहाँ दिल्ली में ही पली बड़ी लड़की है, आपको लगता है वह वहाँ गांव में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनेगी। देख लेना, नहीं पहनेगी, इसलिए मैंने तो सूटकेस में भी सारे वेस्टर्न कपड़े ही भरे हैं। राधा जी ने भी बहू के आगे हथियार डाल दिए और सोचने लगी, जो करना है करो, मुझे क्या, कौन से परिधान कौन से अवसर पर अच्छे लगेंगे, यह सीख भी मुझे ही देनी पड़ रही है। और आगे कुछ जवाब ना देते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब राहुल ने पलक को देखा तो बोला, तुम होश में तो हो पलक, गांव में यह कैसे कपड़े पहनकर साथ चल रही हो। हम वहां पूजा के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। राहुल के मुंह से यह शब्द सुनकर पलक को लगा जैसे अकेले में उसकी सास नहीं उसके पति को पलक के खिलाफ भड़काया होगा। राहुल ने जब पलक का बैग खोला तो देखा कि उसने अपने साथ सारे वेस्टर्न कपड़े ले रखे थे। राहुल ने पलक से सारे वेस्टर्न कपड़े खाली करके सलवार कमीज बैग में रखने को कहा। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर पलक को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे राहुल की बात माननी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई चारा भी ना था। वह चुपचाप निढाल सी राहुल को एक टक देखती रही क्योंकि वह राहुल का गुस्सा भली भांति जानती थी, इसलिए चुपचाप बैग में से वेस्टर्न कपड़े निकालकर सलवार सूट डाल दिए। राधा जी को भी यह देखकर तसल्ली हुई कि चलो अच्छा हुआ बहू ने मेरी ना सही राहुल की बात तो मानी, वरना कोई मेरी बहू के कपड़ों को लेकर उंगली उठाए मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिवाली के दो दिन पहले सभी गांव पहुंच गए। पलक की सास और सभी देवरानी जेठानियों ने मिलकर एक साथ दिवाली का सारा नाश्ता बनाया और फिर दिवाली के दीप जलाए। इन दो दिनों में पलक को लग रहा था घर में कितनी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। सभी को देखती और अपना मुंह बनाती। वह अपना वही पुराना टाइम मिस कर रही थी कि काश इतनी भीड़ न होती तो मैं अकेले अपने कमरे में जाकर सिर्फ टीवी देखती। मगर सोचने लगी, चलो चार दिन और सही, फिर तो अपनी मम्मी के घर जाकर अकेले खूब मजे करूँगी। दिवाली के दिन सभी का खाना पलक के घर में रखा गया था। खाना बनाने के लिए पलक की सास ने पहले ही कमला और रिया को अपनी मदद के लिए बुला लिया था। उन्होंने पहले से ही कमला को कह दिया था, सुनो दिवाली खत्म हो जाए फिर कमला तुम वापस मेरे घर मेरी मदद के लिए आ जाना, क्योंकि मुझे पापड़ बड़ी केर आंवले का अचार यह सब बनाना है। कमला बोली, सेठानी जी मुझे जब भी खाली समय मिलेगा मैं आपके पास आ जाऊंगी। वैसे सेठानी जी अभी पापड़ बड़ी अचार यह सब क्यों,
राधा जी बोली, बेटा बहू वापस दिल्ली जा रही हैं, उनके साथ पापड़ बड़ी बनाकर भेजते हैं। मेरी बहू को मेरे हाथ के पापड़ बड़ी अचार बहुत पसंद है। जिस बहू को दिल्ली में पलक ने कभी सलवार कमीज में नहीं देखा था, वह बहू यहाँ लहंगा चोली पहनकर घूम रही थी। वहाँ तो ऑफिस में रिया हमेशा जींस टॉप पहनकर ही ऑफिस आती, मगर यहाँ उसका अलग ही रूप था। रिया के घर वाले अपने यहाँ की पूजा संपन्न कर पलक के घर पूजा में सम्मिलित होने आए थे। पूजा के बाद रिया सभी को मुस्कुराहट के साथ खाना परोस रही थी, जबकि पलक सिर्फ नाम की रसोई में सभी के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। राधा जी को भी मन ही मन रिया का व्यवहार बहुत अच्छा लगता, मगर उन्होंने यह बात कभी पलक से नहीं कही, क्योंकि वे जानती थी कि कभी भी एक बहू की तारीफ दूसरी बहू के सामने नहीं करनी चाहिए। उन्हें मन ही मन पलक को अपनी बहू बनाकर बहुत गर्व महसूस होता। अकेले में मौका पाकर पलक रिया से बोली, भाभी आप शहर से होकर यहाँ आकर गाँव वालों जैसी हरकतें क्यों कर रही हूँ। रिया बोली, पलक मेरा मानना है कि हम जहाँ जिस काम के लिए उपस्थित होते हैं हमें वैसा परिधान और वैसे संस्कार अपनाने चाहिए। हम जब ऑफिस जाते हैं तो जींस टॉप पहनते हैं, जब हम पार्टीज में जाते हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं, और जब पूजा में जाते हैं तो साड़ी या लहंगा पहनते हैं। परिधान का भी तो जिंदगी में बहुत महत्व होता है। पलक यह सब बातें ध्यान से सुन तो रही थी, मगर ग्रहण कितना कर रही थी वह उसे खुद नहीं पता। राधा जी ने भी रिया की सारी बातें सुनी और सोचने लगी, रिया भी दिल्ली में ही पली बली है, मगर संस्कार और रीति रिवाजों को बखूबी निभाती है। राधा जी रिया की बातों से प्रभावित थी। राधा जी ने जल्दी से कमला को बुलाकर पापड़ बड़ी बनाने में मदद करने को कहा, ताकि वह बेटे बहू के साथ उनके लिए उनके साथ ही सामान भेज पाए। पलक बोली, मम्मी जी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए कितना सोचती हैं। आप जानती हैं मुझे पापड़ बड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आप सब काम छोड़कर पहले मेरे लिए यह बनाने बैठी। राधा जी भी मुस्कुरा कर बोली, बेटे बहू के लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी भला। राधा जी और कमला पापड़ बड़ी बनाने लगी। तब कमला बोली, मेरी देवरानी ज्योति को भी पापड़ बड़ी बहुत पसंद है सेठानी, और वह पेट से भी है। मेरे बच्चे भी बीच बीच में यह कहते हैं पापड़ बड़ी, मगर मुझे बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। राधा जी बोली, तुम छोटे लोगों की यही दिक्कत है, पहले ही नियत खराब कर देते हो। ले जाना थोड़ी देवरानी के लिए भी और तेरे बच्चों के लिए भी थोड़े पापड़ बड़ी, अभी फटाफट हाथ चला। कमला बोली, अरे सेठानी मेरा कहने का वह मतलब नहीं था, मुझे नहीं चाहिए आपके पापड़ बड़ी, मैं तो बस कह रही थी कि समय के अभाव के कारण मैं पापड़ बड़ी नहीं बना पाती। इतने में राधा जी के पति आकर बोले, राधा बहू तो आराम से उसके कमरे में बैठी है और तुम यहाँ अकेले अकेले इतनी मेहनत कर रही हो, और वह भी उन्हीं के साथ दिल्ली भेजने के लिए। राधा जी बोली, अरे कभी कभी तो गांव आती है बेचारी, कर लेने दो उसे आराम, उसे मेरे हाथ के पापड़ बड़ी बहुत पसंद है, आप जानते तो हो। और आप जाइए अभी यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए, थोड़ी देर बाद मुझे केर और आंवले का अचार भी बनाना है, वह भी उन्हीं के लिए, राहुल को मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। एक दिन बाद राधा जी ने सारा सामान दिल्ली भेजने के लिए तैयार कर दिया था। पलक और राहुल भी दूसरे दिन दिल्ली वापस निकलने के लिए अपने कमरे में पैकिंग कर रहे थे। इतने में पलक की माँ शकुंतला जी का फोन बज उठा और वे बोली, पलक कब आ रही हो बेटा। पलक बोली, बस माँ कल निकल रहे हैं। शकुंतला जी बोली, बेटा तू आ जा तो तेरे लिए पापड़ बड़ी बना दूंगी, तुझे बहुत पसंद है मैं जानती हूँ। पलक हंसकर बोली, मम्मी शायद तुम नहीं जानती मेरी सास एक नंबर की बेवकूफ है, मैं उनके बनाए खाने से लेकर उनकी बनाई हर चीज की इतनी तारीफ करती हूँ, बेचारी ने मेरे लिए जाने के लिए पापड़ बड़ी अचार सब बना दिया है, और आपको इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत करनी है। मेरी माँ इस उम्र में इतनी मेहनत करे यह मुझसे देखा नहीं जाएगा, आप तो बस आराम करो, यहाँ मेरी सास है जो कोल्लू के बैल की तरह सारा काम कर देती है, और बस बदले में मुझे अपनी जबान मीठी रखनी पड़ती है,
उड़ की तरह, और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। राधा जी जो बेचारी पलक के कमरे में, उसे यही पूछने आ रही थी कि रास्ते के लिए कितने पराठे भेजूं और कौन सी सब्जी बनाऊं। यह सब सुनकर उसको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक पल वहीं रुक गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। राधा जी को अपने पति की बातें याद आ गई, जो हमेशा कहते थे, बहू को इतना मत सर चढ़ाओ कि वह सर पर बैठकर नाचने लगे। अब तक राधा जी पलक की हर गलती नजरअंदाज करती आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था पलक बच्ची है, अभी नादान है। मगर आज उन्हें पता चला कि पलक तो सिर्फ ऊपर से मीठा बोल रही थी ताकि मैं उसका सारा काम करूं, बाकी मन में उसके इतना पाप भरा है। यह बात वह आज समझ पाई थी। राधा जी नम आंखें लिए रसोई में वापस आ गई। थोड़ी देर में पलक रसोई में आकर बोली, मम्मी जी पापड़ बड़ी और अचार दे दीजिए, उनको अलग बैग में ही पैक कर देती हूँ। राधा जी बोली, बहू बेवकूफ लोग सभी को अपना मानकर उनके लिए कटते रहते हैं, मगर लोग जब उनके इस अपनेपन का नाजायज फायदा उठाने लग जाएं, तो उन्हें यह बेवकूफी करनी छोड़ देनी चाहिए। यह पापड़ बड़ी और चार मैं अपनी सहायक कर्ता कमला को दे दूंगी, जो बेचारी मेरी इतनी मदद करती है। अब तो यह सब यहीं रहने दो। पलक को समझ आ गया कि उसकी सास ने उसके द्वारा उसकी माँ से कई सारी बातें सुन ली हैं। वह शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी और उसे अपनी गलती का मन ही मन एहसास हो रहा था। लोग एक दूसरे को अपना मानकर उनके लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं, मगर जब कोई इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे तो उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको ये भाव कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।